और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। बहुत ज्यादा अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का काम हुआ है और यह अन्याय का काम लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर के किया है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है ट्रिपल टेस्ट का तो यह समय है जब उस अन्याय और उस विसंगतियों को दूर किया जाए और उसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया कि भाजपा सामाजिक न्याय समिति बनाएगी जिसके अध्यक्ष भीम सिंह चंद्रवंशी जी होंगे और इसके सदस्य अजय निषाद जी, शंभु शरण पटेल जी और रामकुमार राय जी होंगे। पिछले 20 दिनों से लगातार माननीय चारों हमारे इस भाजपा सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों ने सारे पेपर्स को कलेक्ट किया, सभी चीज़ों को इन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने एक निर्णय पर पहुंचे हैं और आज मुझे वो स्मारक पत्र देने जा रहे हैं और यह स्मारक पत्र वह पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग दोनों को देने जा रहे हैं जिससे जो अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय करने का काम नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने किया है, जिन विसंगतियों को उन्होंने पैदा किया है उन विसंगतियों को दूर किया जा सके। मैं भीम सिंह चंद्रवंशी जी जो इस समिति का जिनको मैंने अध्यक्ष बनाया है उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस अभी क्या हुआ है और क्या वह करने जा रहे हैं इसके बारे में आप सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष जी और मीडिया के मित्रों, अध्यक्ष जी का आदेश है कि मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस विषय पर प्रकाश डालूं, परंतु मेरा अनुरोध होगा, आप लोगों से निवेदन होगा कि हम लोग जब स्मारक पत्र वहां प्रस्तुत कर दें उसके बाद ही हम लोग आपको ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। बाकी तो अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो वही बात है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप आमंत्रित हैं बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के सामने, अति पिछड़ा वर्ग आयोग है तो हम लोग वहाँ मेमोरेंडम देते हुए चाहते हैं कि आप उसको अवसर दें हम लोग। ठीक है, और कोई अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। संजय जी, एक बड़ा सवाल है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सरतन से जो है कि धमकी दी गई है, क्या कहेंगे? मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो तो पिछड़े और अति पिछड़ों पर सियासत चल रही है और उनके हितैषी बताने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसी मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।